I request Kiran Shroff, who is one of the producers of the film, to narrate what exactly happened when she was meeting these committee members. Kiran. Hi, hello everyone. So, me and Kushan and our writer, Ghalib Saab, we were all there. And after the screening of the film, we were called inside. They initially had a one-hour discussion. So obviously in that 1 hour, we were very restless outside because we did expect a barrage of things that, objections that would be raised, and rightly so. So when we were called inside the auditorium, basically it's a sheer courtesy that you at least offer a seat to the producer, to the director of the film, which is not the practice here. So we are made to stand. We stood there for 2 hours. They do not even offer you a glass of water. So it's like a child who is being punished for doing something wrong. Basically, we have done something wrong by making this film. Hindi mein. Koshish karti hu. To, khair, hum aise khade rahe ke baat kar rahe the. और उन्होंने हमें बताया कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ओके, वी वर फाइन विद दैट. और उसका नेक्स्ट सेंटेंस था कि इसमें 48 कट्स हैं. तो हमारा एक ही सवाल था कि अगर हम एडल्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो कट्स क्यों दे रहे हैं आप हमें. तो उनका जवाब था कि क्योंकि बच्चे जाके देखते हैं ये फिल्म, जैसे कुशान ने कहा. तो द रीजनिंग, उसका रीजनिंग ही इतनी, मतलब वॉज मेड नो सेंस कि क्योंकि बच्चे जाके एक एडल्ट फिल्म देख रहे हैं, हम आपको एडल्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उसके साथ हम आपको इतने कट्स भी देंगे क्योंकि बच्चे ऐसे लव्स नहीं सुन सकते. तो इट्स कम्प्लीटली बेसलेस, कम्प्लीटली सिली आर्ग्यूमेंट. और उन्होंने कहा कि आप हमें चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आपने ये सारे ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स और सीन्स क्यों डाले हैं फिल्म में, जैसे लव मेकिंग सीन्स हैं तो आपने ये क्यों डाले. तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे और सडनली ये औरत ने मुझे देखकर कहा कि आप एक औरत हो तो आपने ऐसी फिल्म कैसे बनाई. तो मेरा पहला रिएक्शन था उनसे पूछना कि क्यों, क्या खराबी है इस फिल्म में. पर बिफोर आई कुड इवन रिस्पॉन्ड, ये जो उनके बगल में बैठे थे दिस जेंटलमैन, उन्होंने कहा पर ये तो औरत ही नहीं है ना, देखो उन्होंने क्या पहना है, पैंट शर्ट पहन के जो आई है वो औरत कैसे हो सकती है. तो आई वॉज टोटली स्टंड, आई वॉज स्पीचलेस, आई डिड नॉट इवन नो वॉट टू से. मैं इनफैक्ट उनसे कहना चाहती थी कि आपके ही एक ऑफिसर जो यहाँ बैठी है वो भी पैंट शर्ट में ही है, क्या वो भी औरत नहीं है. बट ऑनेस्टली आई डिड नॉट वॉन्ट द कॉन्वर्सेशन टू गेट पर्सनल. मुझे हमारी फिल्म की ज़्यादा फिक्र थी तो आई जस्ट केप क्वाइट. और उसके बाद कॉन्वर्सेशन बस वैसे ही चलता गया. Everything that they had written, उन 48 cuts में से I think हम कुछ 10 या 12 cuts तक आ गए थे और 2 घंटे हो चुके थे तब तक. और वो लोग काफ़ी restless हो गए, उन्होंने अपनी घड़ी देखना शुरू किया और कहा देखो भाई अभी office बंद हो गया है हमें अभी. एक ने कहा अरे आप मुझे station तक drop करेंगे, मुझे घर जाना है, मुझे खाना बनाना है. तो we realized कि this is not going to take us anywhere. और उन्होंने कहा भाई आप अभी ऐसा कीजिए, आप आपको ये सब अग्री हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जाइए ऊपर. तो हमने कहा ठीक है, फिर हम जाते हैं ऊपर. एंड लकीली वी फिगर्ड आउट दैट हमें रिवाइजिंग कमेटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन गो स्ट्रेट टू द ट्राइब्यूनल. एंड एनीवे रिवाइजिंग में जाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि मिस्टर नेलानी ने वैसे भी कहा आपको वहाँ पर डबल कट्स देंगे हम. सो वी जस्ट वेंट टू द ट्राइब्यूनल स्ट्रेट अवे. एंड वी आर वेरी होपफुल, वेरी पॉजिटिव that they will see the film the way we have seen it. Yeah, thank you. Just want to add over here, I mean, you know, we have suggested things over there like chutiya ko tutiya bana do aur maa ke lehenga ko maa ka aanchal kar do. So, you know, they are all wannabe writers and directors over there who are out to make a film. And, you know, they are my film is basically based in the very rural badlands of
India, and it's the language is such that, you know, a contract killer adab namaste.